आपने नाम कातिल क्यों रखा है बे? कुछ भी नाम रख सकते हैं साहब। क्या खाएंगे साहब? दो पान खिला दे चल। What? ये पान की दुकान है, आइसक्रीम की दुकान है। अच्छा, आइसक्रीम की दुकान है? तो फिर पूछ क्यों रहा है? आइसक्रीम खिला, दो आइसक्रीम। लीजिए साहब। हेलो, अबे चल बाद में कर। पैसे? अबे तो हमसे पैसे मांगेगा? इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से पैसे मांगेगा? हैं? तेरा पूरा ठेला खा जाएंगे हम, भूख लगी तो। साहब जी जल्दी आइसक्रीम खा लीजिए, हमारी मशीन खराब है। अगर 20 सेकंड के अंदर ये आइसक्रीम नहीं खाई तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, आइसक्रीम पिघल जाएगी 20 सेकंड में? मिस चौटाला, हमें गोली लगी है सर। अबे कौन है? मिस चौटाला, चौटाला मरने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चौटाला आई 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 सर, सर आपको कुछ ना हुआ है? गोली लॉकेट में लगी है सर, यो देखिए। क्या बात कर रही हो? हाँ। अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। हाँ। अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। अरे गोली गुरुजी 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 अबे गोली किसने चलाई बे? हमारी जान बच गई, हम लॉकेट में गोली लगी। सर आपकी जान तो लॉकेट ने बचा ली, पर हमारी जान तो आज आपने ही बचाई है सर। वो तो आपने सही कहा, थैंक यू सर। हम गोली निकल गए सर। कोई बात नहीं, हमने तो गोली बहुत बार निकली, बंदूक भी निकल जाते हम। चलिए चौकी चले। आप चौकी चलिए, हम गुरुजी को थैंक यू बोल गया। हम उस इंसान को पकड़ कर आते जिसने हम पर गोली चलाई है और उसको गोली मार कर आएंगे। आप चलिए चौकी चलिए, हम आते। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। गोली लॉकेट पर लगी। ओके सर, ओके ओके। हम तो बच गए, हम पर गोली किसने चलाई बे? कहीं छुपा तो नहीं यहाँ पर? गुरुजी मैडम, आप जैसी हरी भरी लड़की से, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की इस तरह उदास क्यों है? Yes, mom. What is the happening? अरे यार, किसी ने साले ने गोली चलाई मारे पे अभी। गोली किसने मैडम? क्या पता यार, कानून के वैसे ही 50 दुश्मन हो गए हैं। कोई बात नहीं, धंधे पे लगो। Excuse me, madam. मुझे FIR लिखवानी है।
यो बहुत बढ़िया काम करना है तैने। किसके खिलाफ लिखवानी है? क्या हो गया डूड? किसने तुम्हारी पड़ोसन को तो नो कैरी ऑन। कौन है तू? हाँ देखो यार, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने कुल्ला करो। मेरा मतलब है मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारे मैडम के दिमाग के गट्टे की सब्जी पक के मूंग दाल बड़ी के साथ सर्व हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की क्रोकोडाइल की सहेली, मेरा मतलब है शार्क की बेटी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? यस ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द मैडम? मैं पंप हूं। पंप कौन सा वाला यार, टुल्लू पंप या हैंड पंप? अरे वो वाला पंप नहीं, मेरा नाम है पंप, पंपेश्वर पांडे इलाहाबाद में। अहमदाबाद में होता तो नलेश्वर होता रामधारा। hey! रखा है वो भाई याद नाम? जी मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है। क्या है कि वो जलतल विभाग में यानी कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हाँ इलाहाबाद में, तो उन्होंने पंपों के नाम पे से मेरा नाम रखा है पंपेश्वर, और मेरी बहन का नाम रखा है पाइप इलाहाबाद में। अबे तो बाप के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है कि डैडी ने रख दिए गलत गलत नाम, भैया नाम बच्चों के? नहीं नहीं मैडम, मैं ना दो लड़कों के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। मैडम क्या है, वो दोनों है ना बदमाश लफाड़िए सीटी बाद लड़के, मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ इलाहाबाद में। क्या हो गया डूड, उन्होंने तुम्हारी कहीं साली या प्रेमिका नहीं छेड़ दी? नहीं, जिसने अगर नहीं भी छेड़ी हो किसी की साली या प्रेमिका तो तू छेड़ा। कैरी ऑन। बोलो यार, दोनों ने क्या किया बोलो? अब क्या बताऊं मैडम, मैं आपको, मैं जब भी रास्ते में बाहर निकलता हूँ ना तो ये दोनों लड़के मेरे पीछे आते और सर पे टपली मारते और कहते कि अरे भूषण भंडारी आप कहाँ हो? और मैं कहता हूँ कि भैया मैं भूषण भंडारी नहीं हूँ, तो कहते कि सॉरी यहाँ सॉरी, क्योंकि भूषण भंडारी और आपकी शक्ल दोनों बहुत ही मिलती जुलती है, सिर्फ एक मूंछों का फर्क है। पर सारी तो मुझे है कोई ना। सेम मैडम, सेम प्रश्न करता हूँ मैं कि मेरी तो मुझे है नहीं तो मैं भूषण भंडारी कैसे हो सकता हूँ? तो वो लोग क्या जवाब देते पता है? यस प्लीज टोल्ड मी। वो लोग कहते हैं कि उसकी तो है कंफ्यूजन। मैडम अब कल की घटना लीजिए। दीजिए। अप्स के है भैया कल की घटना? सेम टू सेम मैडम। हाँ मैं रास्ते में निकला, वो लोग दोनों मेरे पीछे हैं, सर पे टपली मारी और कहने लगे कि अरे टप्पू तिवारी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें वहां पे ढूंढ रहे। तो मैं कहता था कि भैया अरे मैं नहीं हूँ टप्पू तिवारी, तो कहने लगे कि सॉरी है सॉरी भैया, क्या है कि टप्पू तिवारी और आपकी शक्ल दोनों बहुत ही मिलती जुलती है, सिर्फ एक मस्से का फर्क है। अरे पर थारे तो भैंस पे कोई मस्सा ना है। सेम मैडम, सेम सवाल मैंने भी किया कि मैं टप्पू तिवारी कैसे हो सकता हूँ, मेरे चेहरे पे तो कोई मस्सा है ही नहीं। तो वो लोग क्या कहते पता है? हाँ उन्होंने कहा कि उसके है। मैडम उन दोनों लड़कों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, प्लीज उनसे बचाइए मुझे, वरना है ना मैं ट्रेन से कूद के आत्महत्या कर लूंगा इलाहाबाद में। उसकी कोई जरूरत ना पड़ेगी, लंदन ने लोकेट करो और चौकी मिलाओ। जी बुलाया? नाम जी आजू अवस्थी, वोल्टेज कम है। और थारा जी बाजू ब्रह्मचारी, कपड़े सूख गए भाई। ऐसा है बॉबी डार्लिंग और जीत के सनी डोल, यारा हो यारा, क्यों तुमने जो है इसका जीना मुश्किल कर रखा है, जो है सड़क पे और आवन जावन इसका जो है बिल्कुल परेशान कर रखा है तुमने। देखिए मैडम, हम कोई इसके दुश्मन तो है नहीं, दरअसल बात यह है मैडम कि इसकी शक्ल हमारे दोस्तों से मिलती है, इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं, कपड़े सूख गए। भैया बहुत डंडे पड़ेंगे मैं बता रही हूँ। मैडम अगर तो किसी आदमी की शक्ल आपके दोस्त से मिल रही है तो आप उससे मिलने तो जाएंगे? वोल्टेज कम है। ओ, 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 ओ
अरे मिलने का भी एक तरीका होता है यार, इस तरह टपली मार मार के नहीं मिल सकते हो तुम। Yes! टपली, हमने इसे टपली नहीं मारी। ना ना ना, ना अरे नहीं, अरे टपली मारी क्या? नहीं देखो, हमने तो बस ऐसे ऐसे किया, ये टपली है कोई? नहीं नहीं, एक मिनट, टपली है। Well, bro, you are not arresting, understanding, lights off, very bold is high. योले, ऐसा कर, बच्चे होंगे बाहर, उनके संग लॉलीपॉप वगैरह चुस्की जाके खा, गोलगप्पे, उन अपने एज ग्रुप के संग जो है तालमेल बिठा, चल जा। कपड़े सूख गए भाई। ऐसा है, देखो वार्निंग देने के लिए तुम्हें यहाँ चौकी में बुलवाया था, इसलिए हियर इट गोज भाई। ज्यादा जो है फ्रेंडली होने की, पेज 3 सोशलाइट क्वीनी ढोडी होने की कोई जरूरत ना है दोनों को। इसे अबाइड करो, चाहे जितनी भी इसकी शकल तुम्हारे जिससे भी मिले, बिल्कुल एकदम इग्नोर मारो, अपना अपना काम करो, ठीक है? क्योंकि अगर तो तुमने टपली छोड़ो, इसको उंगली भी छुआई आगे से, तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, विच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट, यू डोंट वांट टू सी। तो ये निकलो और खुशी खुशी जो है, चलो खुशी पीस फैलाएं दुनिया में। ठीक है बेटा, नहीं नहीं मिलेंगे, टपली नहीं मारेंगे। मैडम, ये लोग मुझे फिर मारेंगे इलाहाबाद में। भाई अगर तो यो फिर से मारेंगे, तो ना तो हमारा ट्रांसफर हुआ है, ना तो मैंने नौकरी छोड़ी है, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल को आपकी शादी हो जाए और आपके हस्बैंड आपको कहीं ले जाए इलाहाबाद में। काट रहा है, किसने कर दी वो हालत? हर और कौन मैडम, वो दोनों जिनको आपने वार्निंग देके छोड़ दिया था इलाहाबाद में, वो। यस ब्रो, अब क्या हो गया? अरे हुआ ये कि मैं सब्जी मंडी में बैंगन खरीद रहा था। क्या, तुम बैंगन खरीद रहे थे? अरे यार, फिर वो बैंगन का तुमने बनाया क्या यार? मतलब बैंगन का भरता बनाया, या बैंगन आलू बनाया, या बैंगन के पकोड़े बनाए? तू बैंगन में घुस जा, अपना सामान लेके शिफ्ट हो जा तू बैंगन में। बैंगन में बैंगलो बना ले तू। सॉरी सॉरी, हाँ तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सब्जी खरीद रहे थे? हाँ, मैं सब्जी खरीद रहा था कि अचानक वो लोग पीछे से आए और मेरे ऊपर चढ़ गए मैडम, मुझे जमीन पे गिरा दिया, मेरे पेट के ऊपर कूदने लगे और देव धनादन मारते हुए कहने लगे कि अरे पीयूष बरवानी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो? मैडम, मुझे कुचल दिया उन लोगों ने। मैंने कहा भी कि भैया मैं पीयूष परवानी नहीं हूँ, तो क्या बोले मालूम है? हाँ, यही कि तुम्हारी शक्ल उनके दोस्त पीयूष परवानी से मिलती है। नहीं, अब की बार उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल जो है ना, वो हमारे जानी दुश्मन पीयूष परवानी से मिलती है इलाहाबाद में। सिर्फ टकले का फर्क है। अबे पर थारे सर पे तो रीच जैसे बाल है। सेम सेम सवाल मैंने भी किया मैडम, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? यही कि वो टकला है। हाँ यार, इन दोनों लौंडों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मारा है आ रहा है मेरे दिमाग में, आपका एक बहुत ही टिंकू टंकीला घंटू घंटीला एडिया आ रहा है। तो टेंकू जिया पे तैने नचा दूंगी, फिर देगा आइडिया।
पल पल न माने टिंकू जिया टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। सुनिए, अरे खुशी के आंसू हो सके, खुशी के रैप्टे ना। हाँ, क्यों नहीं। बेट एंड वॉच। अरे हमें क्यों लेके आए, वोल्टेज कम है। अरे लेकिन हमने किया क्या जो हमें अरेस्ट कर लिया, आपने कपड़े सूख गए। अभी पता चल जाएगा, बहुत जल्द तुम्हारे कपड़े हमेशा हमेशा के लिए सूखने वाले हैं। हम कुछ समझे नहीं, वोल्टेज कम है। अब सारी जिंदगी जेल में काटोगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी डूड। नहीं, अब तो सजा मिलेगी अच्छी खासी, तुमको तो लग भी सकती है फांसी। फांसी, फांसी। अरे लेकिन फांसी क्यों, हमने ऐसा क्या किया है। देशद्रोह, पूरे देश में आतंक फैलाया तुम लोगों ने। हा? और सिर्फ इस देश की ना बल्कि 12 मुल्कों की पुलिस तुम दोनों को ढूंढ रही है। अरे दे 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 देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, कपड़े सूख गए। वेल डन मिस चौटाला, वेल डन। मिस चौटाला, आपने कमाल कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके आपने वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका, कमाल। थैंक यू सर। बाजू। हाँ बाजू। तुझे कुछ समझ में आ रहा है। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा मैटर फंस गया है, इसलिए कमिश्नर साहब खुद आए हुए हैं। हाँ। बहुत गंभीर मामला है। हाँ। राका और साका नाम के दो आतंकवादियों की पुलिस को घड़े सालों से तलाश थी, और आज वो तलाश पूरी हुई क्योंकि राका और साका हमारे सामने है। राका साका मैं नहीं हूँ, मेरा नाम तो मैडम आजू अवस्थी है, वोल्टेज कम है, मेरी तो इलेक्ट्रिक की दुकान है, मैं वो पंखे वंखे सुधारता हूँ मैडम। हाँ, और मैं बाजू ब्रह्मचारी, कपड़े सूख गए। देखिए मेरा लॉन्ड्री का काम है। ओ देखो यार, तुम दोनों की शक्लें तो एकदम और राका और शाका से हूबहू मिलती हैं। सिर्फ वो मूंछ और मस्से का फर्क है बस। मेरी तो मूंछ है ही नहीं है। लेकिन राका की तो है ना। लेकिन मेरा मस्सा नहीं है, मैं नहीं हूँ शाका, मैं नहीं हूँ। लेकिन शाका के तो है। समझ गया मैडम, मैं सब समझ गया, वोल्टेज का मैं। हमें माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। माफी अगर मांगनी है तो उस पंपेश्वर से मांगो। आ जा भाई। इसको परेशान क्यों करते थे तुम लोग रोज। हाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, दरअसल क्या है ना कि हम दोनों की ऐसी शर्त लगाने की आदत है, तो ये ऐसे ही है, तो हम इनको देख के शर्त लगा लेते थे आपस में कि कौन पहले टपली मारेगा, तो हमें क्या पता था ऐसे मजाक मजाक में हम लोगों पे इतना भारी पड़ जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। मैडम माफ कर दीजिए, अब नहीं मारेंगे टपली। हमने आप कपड़े सूख गए। कभी कभी छोटा सा मजाक जानलेवा हो सके। आगे से अगर किसी शरीफ आदमी को किसी सॉफ्ट टारगेट को तंग करते हुए तुम पकड़े गए नजर आए तो असली का राका साका बना के अंडमान भिजवा दूंगी मैं, समझे। निकलो चलो यहाँ से। थैंक यू सर, आपने इस उम्र आपने इस केस में सर बहुत मदद करी।